दिस इज माई ड्रेस। ड्रेस को ओपन कर लेते हैं। टू पीस है ये, और अलकरम पे जब मैं गई थी ऐसी बस तो रैंडमली तो मुझे पसंद आ गया था। अभी मुझे इसको प्रेस करवाना है अपनी हेल्पर से। मैं पूरा ड्रेस ओपन करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके जी, ये है फाइनल लुक मेरे ड्रेस की। ये टू पीस है वेलवेट में, और प्लेन जो है कपड़ा, ये आप क्या कह सकते हैं, मलाई कपड़ा है या क्या है उसके साथ का। स्टिच्ड मैंने अलकरम स्टूडियो से लिया था, आई थिंक ये 14,000 का था या कुछ ऐसे। ये ड्रेस स्टिच्ड 14 या 15, ये मैं अभी आप कार्ड में देख के बता देती हूँ आपको इसकी प्राइस। आई थिंक हाँ कुछ ऐसे ही है। ओके जी, इसकी डिटेल्स मैं आपको दूँ। स्टिच्ड सिगरेट पैंट्स हैं स्ट्रेट इसके साथ, ठीक है, प्लेन। और ये मुझे बहुत पसंद आया था। बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस है, और शर्ट तो आप मत पूछें, फुल स्लीव्स हैं इसकी शर्ट की वेलवेट में, और कुछ इस तरह की स्लीव्स हैं प्लेन, और स्लीव्स के जो कॉर्नर्स हैं या एजेस कह लें आप उसे, बहुत ही नाइस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बारीक बारीक गोटा वर्क है एज यू कैन सी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत आगे बेल लगी हुई है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्लीव्स, ठीक है। इसके बाद गला जो है, गला इसका बहुत ही प्यारा प्लेन गला बना हुआ है, जिसपे ये देखिए कलरफुल सी पाइपिंग का काम हुआ हुआ है। अभी कैमरा में ना समझ नहीं आ रही, ये देखिए कलरफुल सी पाइपिंग है पूरे गले पे, और आगे से इस तरीके से वी गला है, और उसके बाद जो है बीच में ये देखिए गले पे जो है ना बहुत ही खूबसूरत डोरी है। मैं कार्ड बीच में से अलग कर दूँ, प्राइस कार्ड बीच में इसको डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत, ये देखें टैसल्स जो है ना इसके, डोरी कलरफुल सी डोरी चली आ रही है इसके साथ, और फिर ये जो है कलरफुल से ये देखें टैसल्स इसके साथ जो है ना, ये कितनी खूबसूरत गले पे जो है ना गला खूबसूरत बना हुआ है। और उसके बाद जो है ये शोल्डर्स जो हैं, ये शोल्डर एरिया फ्रंट एरिया बिल्कुल प्लेन है, और उसके बाद जो है ये देखें ये एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होती है, सब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बहुत ही खूबसूरत एज यू कैन सी, बहुत ही बारीक बारीक सा काम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही डिसेंट सा ड्रेस है। ये देखिए ऊपर से जो है ना गला बिल्कुल प्लेन है, उसके बाद जो है एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होगी, टैसल्स जो है ना इस तरीके से आएंगे, और शोल्डर एरिया और ये पूरा एरिया जो है ना प्लेन है, और फिर जो है एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो रही है। और ये देखिए टोटल फिर ये जो है ना दामन तक एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही खूबसूरत, फिर बीच में एक प्लेन पैच दिया है इन्होंने ऑर्गेन्जा का, उसके साथ ये बारीक सा आप देख सकते हैं बीच में कट का ये डोरी वर्क है, और उसके बाद फिर ये एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही खूबसूरत, ये देखें दामन, और फिर ये कलरफुल सी पाइपिंग है, और फिर ये जो है लेस या बेल लगी हुई है। अच्छा, जिस तरीके से फ्रंट पे लगी हुई है इसी तरीके से बैक साइड पे, बाकी प्लेन है शर्ट और बैक साइड पे ये पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरत सी कलरफुल सी, और ये लेस लगी हुई है। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस ड्रेस, वेरी डिसेंट, बहुत ही प्यारा। ये दामन देखें आप कितना खूबसूरत दामन वर्क बना हुआ है एज यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत शर्ट है जिसको कह सकते हैं आप। मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ ताकि पूरी शर्ट कवर हो और आपको नजर, ट्राउजर है साथ इसका और ये शर्ट,
हम अभी जो है ना KFC से ये मील और ये सब लेके आए हैं, सारा कुछ प्राइस वगैरह ये सब कुछ, और इसके अलावा कबाब चीज़ बेकर्स गई थी मैं अभी कबाब चीज़ पे, वहाँ से मैंने जो है वहाँ से जो है ये मैंने मैं कर रही थी तो वो तुमने उठाए नहीं। मैं कर रही हूँ, मैंने जो है कबाब जूस देखी, थोड़े से गुलाब जामुन लिए, मीठा खाने को बहुत दिल चाह रहा था, और थोड़े से चिप्स लिए हैं। इसके अलावा मैंने चिप्स लिए हैं, ये मैंने गुलाब जामुन, और इसके अलावा ये पिस्ते का हलवा है और चमचम है। और गाजर का हलवा भी हम लोगों ने लिया है। तो ये दो तीन तरह की मिठाइयाँ जो हम कबाब चीज बेकरी से लेके आए हैं, सब चिप्स वगैरह और KFC वगैरह, सभी इंजॉय करेंगे हम लोग सब मिठाइयाँ वगैरह, चिप्स वगैरह, चिप्स भी इनके बहुत अच्छे होते हैं कबाब चीज बेकरी वगैरह। ओके जी, टुडे इज माय बर्थडे और ये है मेरी फाइनल लुक। दिस इज माय ड्रेस। और आप लोग बताइएगा कि पहन के कैसा लग रहा है। मेकओवर, बाल स्ट्रेट किए हैं मैंने, खुद मेकओवर किया है और नेल वर्क भी किया है। अच्छा, ये जो क्लच और सैंडल है ये पेयर मैंने लिया था स्टाइलो से जी, ये मैंने पेयर लिया था एज यू कैन सी गोल्ड में, और ये वो भी। और इसके अलावा जो मैंने की है, अब मैं आपको इस ड्रेस की डिटेल देती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा ये ड्रेस है, और ये नेल वर्क भी मैंने किया है आज। अच्छा जी, एज यू नो कि वैसे यूजली मैं इतना तैयार नहीं होती, लेकिन चूंकि बर्थडे है तो उसके लिए तो बनता है कि इतना जो है वो तैयार हुआ जाए। और नेल वर्क तो मैंने कभी भी नहीं करवाया। ड्रेस आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ड्रेस। और मैं तो फैन हो गई हूँ अलग्राम स्टूडियो वालों की, जब इतने अच्छे अच्छे इनके ड्रेसेस हैं एज यू कैन सी। डिटेल इस ड्रेस की मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि अगर आपने लेना है तो जो है आप लोग ले सकते हैं। आई थिंक दूसरा इसी में कलर में दूसरा डिज़ाइन था उनके पास, बट ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फिर ये बहुत जल्दी जो है ना सेल हो गए थे, फिर मिल नहीं गए थे, साइज भी बहुत मुश्किल से मुझे जो है ना मिला था। अच्छा, पीछे से बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ डिटेल्स हैं लेस वगैरह लास्ट में। इतना हसीन ये ड्रेस है एज यू कैन सी, पूरी डिटेल्स दे रही हूँ आप लोगों को। होपफुली मेरी ये लुक आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अब जो है मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए, और देखते हैं। यूनाइटेड बेकरी से मैंने लास्ट ईयर भी लिया था, और अब भी मैं सोच रही हूँ कि यूनाइटेड बेकरी ही से मैं जो है अपना केक लेके आऊँ, और सोचती हूँ बहुत क्रीमी मुझे नहीं खाना कि फिर जो है वो वेट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो लेट्स गो। कितने परसेंट ऑफ लगाया था?
का नहीं। ये भी अच्छा लग रहा है और ये वाला, ये वाला तो है घर पे। चलते चलते मैंने जो है ना मुझे पसंद आ गया था, मैं वापस तो गई थी, शूज़ जो है ना फाइनली मैंने ले लिया वापस। आज मेरी बर्थडे है तो भाई मैं तो डिज़र्व करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ खरीदूँ। और मैं अपने बेटे को थोड़ी देर यहाँ फन टाइम के लाई हूँ, चप्पल मैं भी आपको पहन के दिखाती हूँ। शूज़ इज़ द लवली शूज़, कॉफ़ी फ्लेवर में ले लिया है केक मैंने, लास्ट टाइम भी अच्छा था ना। किसी चेंज क्रीम से लिखते ना तो नज़र भी नहीं आएगा है? और नहीं है कोई क्रीम, ये अच्छा लगेगा। नहीं चेंज तो होती नहीं, नज़र आएगा ये। अच्छा जी, इसके अलावा भी इनके पास जो हैं पेस्ट्रीज हैं, लेमन टार्ट वगैरह हैं और हलवा वगैरह भी है इनके पास। उसमें सेवरी आइटम में सिर्फ सैंडविचेस है ना, चिकन पेटिस नहीं है आपके पास? चिकन पेटिस भी दे दीजिएगा, चार ये भी दे दीजिएगा चिकन पेटिस। और यूनाइटेड बेकरी वालों का ना आइटम्स इनके बहुत अच्छे होते हैं इनके। मैं बताती हूँ, एक मेरा पैक हो चुका है और अब जो है मैं ले जाऊँगी बहुत ही प्यारा सामान जो है ना, स्टेटमेंट दे दिए जो है ना पेटिस वगैरह लेके आए थे। अभी थोड़ा ये खा लें फिर जाएंगे हम रेस्टोरेंट बर्थडे सेलिब्रेट करने। ओके जी, केक मैंने ले लिया है और अब मैं होटल आ गई हूँ। और होटल किस होटल आई हूँ? मैं आई हूँ सी व्यू पे, जो क्लॉक टावर बना हुआ है ना होटल, ये यहाँ पे जो है टेबल रिजर्व करवाई है मैंने। अब अंदर चलते हैं। जल्दी आ गए थे हम लोग, घर से 6:30 हुए हैं अभी। घर से रूफ टॉप पे दिया टेबल इन्होंने, उससे पूछा था, रूफ टॉप पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है।
लास्ट में वो खाली है टेबल वाली। आप कितने पर्सन? दो हैं, एक बच्चा। कॉर्नर में करवा दें हमारी टेबल। जी ये है टेबल जो हमने रिजर्व करवाई है, बहुत ही ज़बरदस्त टेबल है। व्यू भी बहुत ही प्यारा है और सी व्यू के साथ ही है बिल्कुल। ये देखें आप, देख पूरा पीछे जो है ना सी व्यू है और यहाँ पर ये रूफ टॉप पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बहुत ही प्यारा व्यू है इस होटल का। बेटा नहीं करो रूफ टॉप पे तो सबसे ज्यादा मजा है। मेन कोर्स में क्या देख रही हूँ? चाइनीज देख रही हूँ। सुबह मेरे तो मेरी गाय की बैठ रही है, अजीब एक हर बार ट्रैफिक में होते आए। नो नो, पास्ता मंगाओगे या क्या मंगाओगे या चाइनीज मंगा लेंगे? हैं हवा थी चल रही है। हाँ चलो। नो नो तो मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है। क्लॉक टावर बहुत ही अच्छा व्यू है। जो मान यार नो नो वो नहीं करो बेटा। यहाँ से मैं आपको जो है ना पूरा यहाँ का मियाँ खड़ी हूँ, यहाँ से पूरा जो है ना व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सी व्यू जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। जब तक कि हमारे स्टार्टर आ रहे हैं मैं तो यहाँ पर रोड जो है ना इंजॉय कर रही हूँ और रोड तक जो है नज़ारा कर रही हूँ। लाइट ऑन हुई है रात के वक्त, बहुत ही जो है ना प्यारा नज़ारा लगता है। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर है। जब आपसे मेरी बर्थडे ऐसे दिन होती है कि वो अब उसकी वजह से पूरा जो है ना काफ़ी ट्रैफिक है और लोग आए हुए हैं यहाँ पे ऐसे दिन से ही, और हवा इतनी सवाले समंदरी और हवा बाल देखी कैसे। और व्यू तो मैं बता ही नहीं सकती। रिकमेंडेड अगर आपकी कोई बर्थडे है पार्टी है वैसे इवनिंग में आप जो है रात में डिनर कहीं अच्छी जगह सी व्यू पर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह जो है ना व्यू नज़ारा हो नहीं सकता। पूरा जो है ना पीछे समंदर जो है ना नज़र आ। देखिए जी हमारा स्टार्टर आ गए हैं और ये जो है फ्रेंच फ्राइज मंगाए हैं हम लोगों ने और ये मंगाई है हमको फिंगर फिश, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी है। ड्रिंक्स वो लोग लेके आ रहे हैं हमारे। मैं जो हूँ ट्राई करूँगी।
कैसी बनी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी लग रही है। खाओ ना मोम चिप्स, लोग भी खाया जाओ पिया। हमारा मेन कोर्स आ गया है, मेन कोर्स में हमने अल्फ्रेडो पास्ता मंगवाया है, बहुत ही लग रहा है। और इसके अलावा ये क्या, शेजवान चिकन हमने मंगवाई है, सिजलिंग प्लेट पे ने सर्व किया, बहुत ज़बरदस्त फ्राइड राइस मंगवाया है हम लोगों ने। तो अभी हमारा एक ऑर्डर बाकी है, टर्किश कबाब और तंदूरी पराठा भी हमने मंगवाया है, वो ऑर्डर अभी हमारा बाकी है, वो अभी आ रहा है। अच्छा जी, ये लोग सर्व कर रहे हैं हमारा, जो है स्पेस बना लें हमारे टर्किश कबाब और बीफ के टर्किश कबाब और ये लो तंदूरी नान, इनको मैंने बोला था तंदूरी पराठा सॉरी, तो वो ये लेके आए हैं। थोड़ा सा ये जो है इनका चेहरा करवा दीजिएगा, ये जो टर्किश कबाब आप लेके आए हैं, काफ़ी सारा मेन्यू हो गया हमारा। हाँ ये ओपन करके इसको ज़रा सा ये, अच्छा वो तंदूरी पराठा इसके साथ ही है ये रहा। ये तो जो हैं टर्किश कबाब जो हैं इन्होंने ये इस तरीके से सर्व किए हैं, चपाती के साथ इन्होंने ये एक तरफ खोल दीजिएगा, ये बड़े ही प्यारे से टर्किश कबाब इन्होंने ये सर्व किए हैं चिल्ली वगैरह के साथ, और ये तंदूरी पराठा। तो ये है जी हमारा टोटल खाना वगैरह आज का, ये फिश जो हमारी फिंगर्स के लिए बच गई है, तंदूरी पराठा तो बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है ना, इसको जरा पूरा खोल के दिखाना, बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है टर्किश कबाब के साथ इन्होंने टर्किश ये तंदूरी पराठा हमने ना सर्व किया है। चलिए टर्किश कबाब जो हमने ट्राई करते हैं, बहुत ही ना ही टेस्टी लग रहा है, साथ में उसकी चटनियाँ और ये इडली की चटनी और रायता जो उन्होंने दिया है इसके साथ, और ये तंदूरी नान है इसके साथ, ये मैं ट्राई करती हूँ कैसा लगता है। बीफ का है और बहुत ही टेस्टी है, टर्किश कबाब तो रिकमेंडेड है कि ज़रूर मंगाएं बीफ के। उसके साथ जो हरी मिर्च है ना, ला रहे हैं ना केक, ला रहे हैं वो देखो पैक प्लेट में डाल रहे हैं, मेरी बर्थडे का केक है और कॉन्शियस ही हो रहा है कि जल्दी ला दो काट, वो देखो वो लेके आ रहा है सर्व करके ला रहा है प्लेट में। अच्छा मून मेरे साथ कटवाएगा, आप इधर मेरे साथ आ जाओ ना, आपकी भी हैप्पी बर्थडे कर लिया। अच्छा जी खाना हमने खा लिया, केक भी हमने खा लिया, मेरा बेटा तो मजीद अभी तो उसकी तोड़ फोड़ तो लगा हुआ खुद चबी से खा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को, और आप लोगों को तो हम लोगों ने साथ साथ ही रखा, और बताइएगा कि ब्लॉग आज का कैसा लगा। बैठे
सेलमा का जो खाने में सबसे हिट आइटम था जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा वो था अल्फ्रेडो पास्ता, बेस्ट है, फुली रिकमेंडेड। और टर्किश कबाब, बीफ टर्किश कबाब। जी बेटा खा लो केक। मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को एक्साइटमेंट थी कि केक जो है ओपन करे और कटिंग करे, बस बच्चों को तो समझ रहा है मेरी बर्थडे। तो एपेटाइजर खा के हम फुल हो गए थे कि खाना जो है ना मुश्किल से हम लोगों ने खा लिया। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और अल्लाह यार।